रहा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। निवेल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की और फंडिंग उसको कहां से आई? निवेल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। लोकसभा में सोमवार को एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संस्थान को देश विरोधी बताया और कांग्रेस की साजिश करार दिया। बीजेपी सांसद ने पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से केंद्र सरकार और भारत विरोधी माहौल बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के नेताओं पर चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का हवाला देकर इस आरोप की पुष्टि करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी मान रहा है कि निवेल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक खतरनाक उपकरण है जो दुनिया में चीनी एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। कांग्रेस के लिए निवेल और न्यूज क्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है क्योंकि उसके नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हित कभी मायने नहीं रखता। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2021 में जब भारत की प्रवर्तन एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी तो कांग्रेस और संपूर्ण वाम उदारवादी लोगों ने उसका बचाव किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हित कभी मायने नहीं रखता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या यह वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने भारत में चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और कथित तौर पर चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए दान स्वीकार किया था। दरअसल दो वर्ष पहले प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता लगा था कि न्यूज क्लिक के मालिक अमेरिकी व्यवसायी निवेल रॉय को 38 करोड़ रुपए की चीनी फंडिंग मिली थी। निवेल पर हमेशा से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध के आरोप लगते रहे हैं। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ हासिल हुए हैं और यह पैसा कुछ पत्रकारों में बांट दिया गया है।